हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास सिक्स के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथककरण। हमने मटीरियल्स के बारे में पढ़ा, सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ किस चीज से मिलकर बने होते हैं, इसकी बात हमने इससे पहले चैप्टर में करी थी और ग्रुपिंग किया था उनका। ठीक है, ये इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। जैसे सेपरेशन क्या होता है, हमने पढ़ा कि अगर हम किसी भी मिक्सचर के घटकों को अलग अलग कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, अलग करना ही क्या है, पृथककरण होगा। ठीक है, या सेपरेशन होगा। सेपरेशन हम कैसे करेंगे, ये निर्भर करता है कि मिक्सचर का टाइप कौन सा है या उसमें पाए जाने वाले जितने भी घटक हैं उनके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, उनकी फंक्शनिंग यानी कार्य उनके क्या है। तो इस आधार पर हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियों का, अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करते हैं सेपरेशन के लिए यानी पृथककरण के लिए, जिसमें हमने बहुत सारी विधियों को पढ़ लिया था। एक बार क्विक रिविजन के साथ आज और कुछ विधियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी हैंड पिकिंग की या हस्त चयन की। हमने क्या माना कि कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो कैसी होती हैं, विजिबल होती हैं या आपको दिखाई देती हैं और आप उनको हाथ से चयन कर सकते हैं, चुन सकते हैं, उठा करके अलग कर सकते हैं। और यही विधि आपकी क्या कहलाती है, हस्त चयन कहलाती है। हमने माना कुछ तो अनाज होगा और उस अनाज में क्या होंगे, ये बड़े साइज की इम्प्योरिटी होगी और इसको आप इजीली देख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने हाथों से चुन करके अलग कर सकते हैं। ओके, सपोज ये अगर चावल है और चावल में कुछ कंकड़ के टुकड़े हैं तो आप उन कंकड़ों को उठा करके अलग कर रहे हैं और यही विधि आपकी क्या है, हस्त चयन या हैंड पिकिंग है। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में हमने क्या कहा था कि फसल पक कर के तैयार हो गई है, अब क्या किया जाएगा, उसके अनाज जो है, दाने जो है, उनको प्लांट से, ठीक है, जो उसका प्लांट वाला पार्ट है उससे अलग किया जाएगा अनाज को, और यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी, थ्रेसिंग कहलाएगी। ठीक है, थ्रेसिंग में हमने मैनुअल विधि या ट्रेडिशनल मेथड, जब बहुत कम पैमाने पर कृषि का कार्य, खेती का कार्य किया जाता है तो वहां पर हमने क्या कहा कि जो वर्कर्स होते हैं, किसान होते हैं, खेती करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने हाथों से ही क्या कर लेते हैं, उस प्लांट को पीट करके या बालियों को पीट करके क्या करते हैं, अनाज के दानों को अलग करते हैं प्लांट से। ठीक है, ये एक विधि हो गई। दूसरा, जब बड़े स्केल पर खेती की जाती है, बड़ी मात्रा में वहां पर उत्पादन होता है तो तब क्या होता है, बुलक की मदद से या फिर अभी मशीन्स की मदद से क्या किया जाता है, थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विनोइंग। विनोइंग को हमने क्या कहा था, निष्पावन कहा था। निष्पावन में हम क्या करते हैं, हवा की मदद से, ठीक है, हवा की मदद से क्या करेंगे, जो हल्की इम्प्योरिटीज होंगी उनको अलग किया जाता है। हवा चलती है, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी जितनी भी हल्की इम्प्योरिटीज होगी वो हवा के साथ उड़ करके एक साइड आ जाती हैं और आपका जो हैवी ग्रेन्स वगैरह है वो आपको एक साइड मिल जाता है। तो ये किसके बाद होता है, थ्रेसिंग के बाद। जब थ्रेसिंग हो गई, आपको अनाज मिल गया है, अब आप क्या करेंगे उस अनाज से, ठीक है, क्या कहा हमने, थ्रेसिंग हो गई है और थ्रेसिंग के बाद आपको ये अनाज मिल गया है, लेकिन इसमें अभी भी इम्प्योरिटीज होंगी, भूसा होगा या फिर कुछ और हल्की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जिसको आप क्या करेंगे, विनोइंग की यानी निष्पावन विधि की मदद से फिर से और प्योर बनाएंगे या शुद्ध करेंगे। तो ये अनाज से भूसे को अलग किया जा रहा है, इसी को क्या कहा जा रहा है, विनोइंग कहा जा रहा है या निष्पावन कहा जा रहा है, और ये हो रहा है सब कुछ इसकी मदद से, हवा की मदद से। ओके, इसके बाद हमने नेक्स्ट विधि पढ़ी थी सीविंग, चालन या छानना जिसे आप कह रहे थे। इसके लिए एक ऑब्जेक्ट की, एक वस्तु की आवश्यकता होती है, जिसे हमने क्या कहा था, चलनी कहा था, सीव कहा था, छलनी छन्नी जो भी आप कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, अब जितनी और इम्प्योरिटीज रह गई हैं, हमने क्या माना कि विनोइंग में आप देख रहे थे कि यहाँ कुछ तो हैवी इम्प्योरिटीज भी आ गई है ना साथ में, जिनको हवा उड़ा नहीं पाई थी। उसको अगर गेहूं का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो गेहूं के साथ साथ क्या हो रहा है, कुछ और कंकड़ पत्थर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। अभी क्या किया जाएगा, चलनी की मदद से,
ठीक है, इस चलनी की मदद से उन ग्रेन्स को या वो जो कंकड़ पत्थर है उनको अलग किया जाएगा। तो चलनी में क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उन छेदों के माध्यम से क्या किया जाता है, जिस भी चीज को आपने छानना है उसको आर पार किया जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि जो आपकी इम्प्योरिटीज है उसका साइज चलनी के जो छेद है उनके साइज से बड़ा होना चाहिए, ताकि वो उससे पार ना निकल पाए। ओके, तो सीविंग आपको समझ में आ गया होगा, जैसे आटे को छाना जाता है चलनी की मदद से, तो वो भी क्या है, सीविंग में आता है आपको। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेडिमेंटेशन या अवसादन। अवसादन में हमने क्या देखा था कि आप क्या कर रहे थे, चावल जो अभी आपने साफ कर लिए फिर भी क्या मान रहे हैं, या गेहूं जो साफ किया है, दाल साफ करी है किसके माध्यम से, सीविंग के बाद, विनोइंग के बाद, फिर भी उसमें कुछ हल्की इम्प्योरिटीज रह जाती हैं, और उन हल्की इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन या अवसादन विधि का प्रयोग करेंगे। जिसमें क्या किया जाएगा कि आपने बर्तन में इस तरह से चावल ले लिए हैं, उनमें पानी डाल दिया है, ठीक है, और पानी डालने पर क्या होगा, क्योंकि चावल के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, हैवी है, चावल भारी है, इसीलिए वो नीचे बैठ जाएगा सतह में, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगा। लेकिन हल्की जो इम्प्योरिटी है, जैसे डस्ट हो सकता है, धूल हो सकती है, या हस्क जैसे भूसा हो सकता है, ठीक है, वो पानी के यहाँ से ऊपर आ जाएगा सरफेस पे, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, ये तो हो गया सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या हो रहा है, हल्की इम्प्योरिटीज ऊपर आ रही हैं, और अगर आप किसी और चीज की बात करें जहां पर हैवी इम्प्योरिटीज हैं, तो हैवी इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, नीचे बैठ जाएंगी। अगर आपको पानी को शुद्ध करना है और आप मान रहे हैं कि पानी में पत्थर और रेत है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कुछ देर के लिए उस बर्तन को वैसे ही रख देंगे जिसमें पानी है, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हैं कि जो पानी में कंकड़ पत्थर रेत जो भी है वो सतह पर नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यही क्या है, सेडिमेंटेशन है। ये मैंने कब कहा, जब इम्प्योरिटी कैसी है, हैवी है, भारी है इम्प्योरिटी, लेकिन अगर हल्की है तो क्या होगा, वह सतह पर ऊपर आ जाएगी, जैसे हमने ये वाला केस लिया था चावल का, ठीक है। अभी सेडिमेंटेशन हो गया है, अवसादन हो गया है, चावल में जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो ऊपर आ गई है। अभी आप क्या करेंगे, अभी आप डिकेंटेशन करते हैं। डिकेंटेशन में क्या करेंगे, अब वो जितनी इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग किया जाएगा। यानी अगर आपने चावल में पानी डाला है और उसमें इम्प्योरिटीज ऊपर आ गई हैं, भूसा वगैरह सब ऊपर आ गया है, तो अभी उस पानी को पोर आउट करेंगे या निकालेंगे, आप अलग करेंगे, वही आपका क्या है, निस्तारण या डिकेंटेशन। ओके, आपने क्या किया, ये सेडिमेंटेशन किया था, इस बर्तन में कुछ था उसमें आपने पानी डाल दिया, जैसे चावल है उसमें आपने पानी डाल दिया, ठीक है, अभी आप इस पानी को हटा रहे हैं, यही क्या है, निस्तारण है। ओके, दूसरा हम निस्तारण कहाँ से करते हैं, इस तरह से, अगर इमिसिबल लिक्विड्स है तो वहां पर आप क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, और सेपरेटिंग फनल का उपयोग करके आप क्या करेंगे, अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में घुल नहीं रहे हैं उनको सेपरेट किया जाएगा। ओके, ये मेथड हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद हमने फिल्ट्रेशन की बात की थी। फिल्ट्रेशन और सीविंग में थोड़ा डिफरेंस है, सीविंग में आपको सीव की जरूरत पड़ती है, फिल्ट्रेशन का उपयोग, फिल्ट्रेशन आप फिल्टर पेपर के उपयोग से करते हैं या फिल्टर पेपर की मदद से करते हैं। अभी भी आपने डिकेंटेशन कर लिया सेडिमेंटेशन के बाद, फिर भी हम मानते हैं कि कुछ तो ऐसी इम्प्योरिटीज अभी भी वहां पर होंगी, और जो कि आपको आंखों से नहीं दिखाई देंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसके लिए फिल्टर पेपर का यूज करेंगे। एक पेपर होता है, एक पेपर होता है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देंगे वैसे, ठीक है, जैसे नॉर्मल आपका पेपर होता है ना, वैसी होता है फिल्टर पेपर। आप उसमें क्या करेंगे, जो भी आपका सोल्यूशन है उसको डालेंगे, और सोल्यूशन को डालने के बाद क्या होगा, जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज है वो ऊपर रह जाती है, और बाकी आपका प्योर जो निकलेगा वो नीचे मिल जाता है आपको। अगर पानी की बात कर रहे हैं, पानी को छान रहे हैं, उसमें बहुत हल्की इम्प्योरिटीज हैं जो आपको दिखाई भी नहीं दे रही है, तो वो सॉलिड पार्टिकल्स यहाँ रह जाएंगे ऊपर। ये फिल्टर, ये फनल होती है, फनल लगाई आपने, फनल के अंदर आपने फिल्टर पेपर लगा दिया है, ठीक है, और फिल्टर पेपर में अभी आपने यहाँ से वाटर डालना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। वाटर डाला तो ये छन करके, फिल्ट्रेशन भी छानना ही होता है एक तरह से, छन करके यहाँ पानी नीचे मिल गया है आपको, और ये जो ब्राउन कलर का है ये इम्प्योरिटीज है आपकी, ठीक
ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हो बहुत छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो दिखाई नहीं दे रहे थे आपको पहले, ठीक है। तो जो ये ऊपर बचा है इसको आप रेजिड्यू कहेंगे, जिसे हम मिट्टी कह रहे हैं, ठीक है। और जो नीचे आपको प्योर वाटर मिला है दैट इज फिल्टरेट, ओके। तो ये हो गया आपका निस्पंदन, आप इसे कहते हैं निस्पंदन भी कहते हैं, या फिल्ट्रेशन। तो इतनी इतने मेथड्स हमने अभी तक पढ़ लिए थे, होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। जीआईसी बांसखेड़ा, बच्चों आवाज आ रही है आपको? आ रही है तो अपना हाथ उठाइए। समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है तो हैंड रेज करिए अपना। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट है किसी का? माइक ले लो जिसका डाउट है। जीजीआईसी बन भूलपुर, किसी का डाउट है? डाउट नहीं? नो मैम, नो मैम। ओके, और अभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, तो आपको उनका आंसर करना है, ओके। तो यहां तक हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, और अभी हम कुछ नए मेथड्स पढ़ते हैं। हमने क्या बोला कि सेपरेशन क्या है, कोई तो आपके पास मिक्सचर होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा घटक हो सकते हैं, कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। आपको क्या करना है, उन घटकों को अलग अलग करना है, या उसमें जितनी चीजें प्रेजेंट है उनको अलग करना है। जैसे हमने क्या बोला कि आटे में कंकड़ पत्थर थे तो उनको अलग करना है, दोनों को, आटे को अलग करना है, कंकड़ पत्थर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको अलग करना है। तो उसके लिए हमने क्या कहा कि सीविंग से ये हो जाएगा, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है वो थोड़ा बड़े साइज की है, तो वो सीव में ऊपर ही रह जाती है आपकी चलनी में, और आटा सारा एक साइज का है उसके पार्टिकल्स, तो वो सारा हमें चलनी से पार होके साफ मिल जाएगा, ठीक है। इतना हमने पढ़ा। फिर हमने क्या देखा कि कुछ तो ऐसी चीजें होंगी जो थ्रेशिंग से, और आपने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया, और क्या किया आपने, विनोइंग की, हैंड पिकिंग की आपने, साथ साथ ही आपने क्या पढ़ा, अवसाधन पढ़ा, सेडिमेंटेशन पढ़ा, ठीक है। इसके बावजूद भी कुछ चीजों को आप सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हम कुछ और अलग मेथड्स का यूज करते हैं। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन आपने पहले भी टर्म पढ़ी है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम फ्रॉम? सी वॉटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट मिक्स इट इन इट, वन ऑफ दी सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। यानी आप जो घरों में साधारण नमक यूज करते हैं, आपने सुना है कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा नमकीन होता है, ये जो नमक बनता है ये समुद्र के पानी से बनता है। फिर आप कहेंगे कि ये समुद्र का पानी जो है वहां से नमक कैसे बनाया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के मन में। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salt. Common salt is then obtained from this mixture of salt by further purification. क्या होता है? क्या होता है कि ये आपका समुद्र का पानी है, ठीक है? ये समुद्र का पानी है आपका, और क्या किया जाता है, इस तरह के शैलो पिट्स बनाए जाते हैं। शैलो पिट समझते हैं, उथले हुए, ज्यादा गहरे नहीं होंगे, जैसे आपकी क्यारियां बनती है ना घर में, ऐसे ही शैलो पिट्स बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ये सी वाटर है, समुद्र का पानी है, इसको क्या किया जाता है, रोका जाता है। तो समुद्र के पानी को रोका गया है, और हम क्या मानते हैं कि उस पानी में नमक भी घुली हुई है, ठीक है, तो लवण घुला हुआ है, तो वो भी यहाँ पर पानी के साथ आएगा। अब शैलो पिट्स हैं, धूप पड़ेगी उस पे, सनलाइट बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ेगी, टेम्परेचर हाई होगा, तो धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, जो आप कहते हैं कि पानी सूख गया है किसी जगह का, तो पानी के सूखने का मतलब क्या है, पानी का कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो भाप में बदल गई है। यानी जो पहले आपका पानी था, लिक्विड फॉर्म में था, द्रव अवस्था में पानी था, अब वो क्या बन गया है, भाप बन गया है, यानी वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये पानी का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाना, समझ रहे हैं, पानी जो लिक्विड फॉर्म में था उसका भाप बनना ही आपका क्या ही, इवेपोरेशन है। तो हमें जब सी वाटर से क्या करना है, सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, या हम क्या बोलेंगे, समुद्र के पानी से आपको नमक प्राप्त करना है, तो आप क्या करते हैं,
ऐसे शैलो पिट्स बनाए जाएंगे, उथली उथली पिट्स बनाई जाएंगी, जिनमें क्या किया जाएगा, पानी को रोका जाएगा, कुछ दिनों तक उस पानी को वैसे ही रखा जाता है, और फिर क्या होता है, जब उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर तापमान के बढ़ने पर क्या होगा, जितना यहाँ पर पानी था वो भाप में बदलना शुरू होगा। जब वो भाप बन करके पूरी तरह से उड़ जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा आपका, सिर्फ नमक जो पानी में घुला हुआ था, क्योंकि नमक का इवेपोरेशन या वाष्पीकरण वहां पर नहीं हुआ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वाष्पीकरण क्या है। ठीक है, सी वाटर से या समुद्र के पानी से नमक को कैसे प्राप्त किया गया, उथले उथले गड्ढे बनाए गए जहां पर पानी को रोका गया, पानी में नमक घुली हुई थी, पानी का तो वाष्पन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, क्यों, क्योंकि पानी इवेपोरेटेड है, वाष्पशील है, वाष्प में भाप में बदल सकता है। ठीक है, उतना वहां से सूर्य के प्रकाश तापमान बढ़ने पर पानी भाप में बदल गया, लेकिन जो पानी में घुली हुई नमक थी वो वहां पर जो उथले गड्ढे बनाए गए थे वहीं पर रह गया, और कुछ टाइम बाद उसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, देन प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, प्यूरिफाई किया जाता है और देन उसको खाने के योग्य बनाया जाता है, अगर उससे कॉमन सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो यहां से आपकी डेफिनेशन क्या निकल के आती है, इवेपोरेशन की, वाष्पन की। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वॉटर इंटू इट्स वेपर, वॉटर क्या है, पानी, यानी ऐसी प्रक्रिया जहां पर पानी आपका भाप में बदल रहा है। क्या करते हैं आप, आपको चाय बनानी होती है, कोई तो वेसल लेंगे आप, बर्तन लेंगे, उसमें आप पानी रख देते हैं। ठीक है, आपने बर्नर के ऊपर, गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर बर्तन को रख दिया है। ठीक है, टेम्परेचर हाई करेंगे, आंच तेज करेंगे, मतलब ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी बॉइल होना स्टार्ट कर देगा, उबलना स्टार्ट कर देगा, वहां पर क्या होता है, आप देखेंगी हल्की हल्की गैसेस की तरह वेपर्स उठनी आपको दिखेंगी। ठीक है, भाप की तरह भाप आपको उड़ता हुआ दिखेगा। तो जहां पर क्या हो रहा है आपका, वो पानी जो था, ठीक है, वॉटर था द्रव अवस्था में, वो वाष्प में बदलना जो शुरू हुआ, उसी प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाता है, इवेपोरेशन कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है, या वाष्पन कहा जाता है। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वॉटर, कन्वर्जन मतलब बदलना, पानी बदल रहा है किसमें, भाप में, वॉटर इंटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, वाष्पीकरण या वाष्पन कहा जाएगा। ठीक है, और वाष्पीकरण के कारण ही क्या होते हैं, जैसे आपके कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं, तो ये भी किसका कारण है, वाष्पीकरण का। जो कपड़े धुले गए हैं उनमें क्या था, पानी था, ठीक है, इसलिए वो गीले थे, जब आपने उनको बाहर रखा तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है और धीरे धीरे क्या होता है, जो वो उसमें पानी था कपड़ों में, ठीक है, वो भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, या गैसियस स्टेट में जाना कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, फिर क्या हो जाता है, वहां से पानी पूरा इवेपोरेट हो जाता है कपड़ों से, और आपके कपड़े क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली व्हेन एवर वॉटर इज, वेयर एवर वॉटर इज प्रेजेंट। ओके, जहां पर भी पानी होगा वहां पर वाष्पन जरूरी होगा। ठीक है, कैसे होगा जरूरी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, और जितना भी आपका पानी है, जब तक पानी रहेगा तब तक वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाने पर किसमें, भाप में बदलना शुरू करेगा, या भाप में बदलता रहेगा। ओके, और वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरे सोल्यूशन से नहीं होती, सिर्फ ऊपर की सरफेस से होती है, यानी अगर आपने बर्तन में पानी रखा है चाय बनाने के लिए, तो जो ऊपर वाली सरफेस है चाय की, ठीक है, वहीं से पहले, सबसे पहले वाष्पीकरण होना स्टार्ट होगा। इसीलिए आप देखते हैं, जैसे आपने कपड़े सुखाने के लिए डाले हैं, तो जो सरफेस कपड़े की डायरेक्ट सन के कॉन्टेक्ट में आती है वो जल्दी सूखती है, यानी वहां से क्या हो गया है, इवेपोरेशन हो गया है वॉटर का। ओके, ये देखिए, यहाँ पर आपके पास कोई तो बीकर है जिसमें आपने पानी लिया है, ठीक है, यहाँ पे बॉइल करना स्टार्ट कर दिया है, यानी आप उसको क्या दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसका, और टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या हो रहा है कि ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे, तो इसी को क्या कहा जाएगा, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण कहा जाएगा। ये आपका सी लेवल है, जैसे समुद्र तल से भी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, नदी तालाब से भी क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से आपका पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, और फिर ये भाप बन के उड़ने के बाद क्या हो जाता है,
कंडेंस हो जाता है ऊपर जाके या बादलों में संघनित हो जाता है। फिर वहां जब ये संघनन के बाद क्या होगा इसका, दोबारा ये बारिश बनकर पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है, या फिर कहीं पर बर्फ बन के गिर जाएगा। ओके, तो इतनी चीजें आपको इवेपोरेशन में समझ आ गई होंगी। इवेपोरेशन क्या है आपका, कुछ भी नहीं है, जो पानी है टेम्परेचर बढ़ने पर वो क्या हो रहा है, भाप में बदल रहा है, और वही आपका क्या है, इवेपोरेशन है। ओके, अभी आपको सभी को समझ में आ गया है, GGIC बन भूलपुर। बच्चे माइक ले लीजिए, क्या नाम है आपका? मैम माय नेम इज शिफा। शिफा, शिफा बताइए इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है बताइए। पानी बॉइल्ड होकर के जो आता है मैम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, और जो समुद्र की तेज लाइट्स होती हैं ऊपर से जाती है उसको बारिश बन जाता है, वो धरती पे आ जाती है। बाकी मैम इतने ओके, ज्ञान है किसी और को माइक दे दीजिए। शिफा ने हमें बताया कि जो हमने नमक बनाया, ठीक है, नमक बनाया जा रहा था, वो आपने इवेपोरेशन में पढ़ा। और क्या कहा उन्होंने कि पानी को उबाला गया, लेकिन वो भूल गए कि पानी को उबाला गया उसके बाद पानी का क्या हुआ, वो भाप में बदल गई। ठीक है, तो जो पानी का टेम्परेचर देने पर, तापमान बढ़ाने पर भाप में परिवर्तन हुआ है, वही क्या है, इवेपोरेशन यानी वाष्पन या वाष्पीकरण है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले दिन भी बताया कि अच्छे से बैठिए, अनुशासन के साथ कक्षा में बैठिए, ध्यान से सुनिए। आप लोगों को बहुत, पूरा उत्तराखंड देख रहा है, उत्तराखंड से बाहर मुंबई से आपको देखा जा रहा है, आप ये समझ लीजिए पूरा राष्ट्र आपको देख रहा है। ठीक है, 400 स्कूल देख रहे हैं शिफा को कि वो आंसर कर रही है, किस तरह से आंसर कर रही है, और उन बच्चों को भी देख रहे हैं जो क्लास में बातें कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जो आंसर नहीं कर रहे हैं या गलत आंसर कर रहे हैं। ठीक है, गलत आंसर करना बड़ी बात नहीं है, आपको आंसर करना है, गलत करेंगे तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, इसीलिए तो हम हैं आपकी गलतियों को सुधारने के लिए। ओके, तो आपको आंसर करना है जितना आपको समझ आ रहा है उसके हिसाब से, जो समझ नहीं आ रहा है, जो आपके डाउट्स हैं वो आपको पूछने हैं। ओके, जितनी बार नहीं आ रहे हैं उतनी बार पूछने हैं, जब तक कि वो डाउट आपका क्लियर नहीं हो जाता है। आपने पूछा कि नमक कैसे बना, ठीक है, हमने कहा कि नमक बना कि कुछ तो शैलो गड्ढे बनाए गए, उथले गड्ढे बनाए गए जहां पर पानी को, समुद्र के पानी को रोका गया। ठीक है, शिफा सिट डाउन बेटा, समुद्र के पानी को रोका गया और फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश उस पानी में पड़ा वो पानी भाप में बदलना शुरू हो गया। ठीक है, पानी का भाप बन गया, यानी पानी वहां से पूरी तरह से सूख गया है, भाप बनकर उड़ गया है। ठीक है, ये हमने माना, लेकिन उस पानी में घुली हुई जो नमक थी वो उन शैलो पिट्स में या उथले गड्ढे या क्यारियां जिन्हें बोला गया उन्हीं में रह गया। ठीक है, और ये जो पानी से भाप बनने की प्रक्रिया थी यही आपकी वाष्पीकरण, वाष्पन या इवेपोरेशन है। और हमने जो समुद्र के पानी से नमक बनाना, ये सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल था, किसका, वाष्पीकरण का एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, वाष्पीकरण आपको समझ में नहीं आया कि पानी से भाप कैसे बना, इसीलिए हमने एग्जाम्पल लिया कि समुद्र के पानी में जो नमक घुली हुई है, अगर वहां से नमक को हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है, तो उसके लिए इवेपोरेशन किया जाता है। और हमने क्या बोला कि नॉर्मली, बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि घर में चाय बना रहे हैं, बर्तन रखा है, उसमें पानी है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आंच तेज करेंगे तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे उबलना स्टार्ट करेगा, एक टाइम आप देखते हैं कि पानी भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा, और वही क्या है आपका, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण है। तो अभी सबको समझ में आ गया है, GIC कोटी चांदपुर, GGIC बन भूलपुर, हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए। ओके, तो आपका इवेपोरेशन वाष्पीकरण क्या है, कुछ नहीं है, तापमान बढ़ने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर पानी का भाप में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, और उसका एग्जाम्पल क्या है कि आप समुद्र के पानी से नमक को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, और क्या दूसरा एग्जाम्पल क्या पढ़ा आपने, कि अगर आपने किसी बर्तन में पानी रख दिया है, उसको टेम्परेचर बढ़ाया, आंच तेज करी आपने, तो क्या हो जाएगा, वो पानी उबलना स्टार्ट कर देगा, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब पानी भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण आपको समझ में आ चुका है, अभी आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। ओके, जल्दी से नोट करिए, आप दिख रहे हैं स्क्रीन पर तो नोट करना स्टार्ट करेंगे, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ओके, GGIC
जीजीआईसी बंद भूलपुर नोटबुक लेके बैठा करिए आप। नोटबुक पेन कुछ नहीं है आपके पास। तो ई वेपोरेशन आपको समझ आ गया है। अभी हमने क्या बोला कि एक एक मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, एक एक विधि का प्रयोग कर रहे हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि एक विधि से सेपरेशन नहीं हो पाएगा, वहां पर आपको दो से ज्यादा विधियों का उपयोग करना पड़ता है। जैसे हमने बहुत छोटा और सिंपल एग्जाम्पल लिया गेहूं का, कि फसल का उत्पादन हुआ गेहूं का, थ्रेसिंग से क्या किया गया, गेहूं के दानों को उसके प्लांट वाले पार्ट से अलग किया गया, उसके बाद क्या किया गया, विनोइंग की गई, और विनोइंग के द्वारा थ्रेसिंग में जो इम्प्योरिटीज रह गई थी अभी भी उनको अलग किया जाएगा, ठीक है। फिर आपने क्या कहा कि अभी भी क्या है, विनोइंग के बाद उसमें कुछ कुछ हैवी इम्प्योरिटीज है और उसको किससे दूर किया जाएगा, सीविंग के द्वारा चालन करेंगे फिर दूर किया जाएगा। तो इस तरह से गेहूं को साफ किया जा रहा है, ठीक है, उससे इम्प्योरिटीज को दूर किया जा रहा है और उसमें एक से ज्यादा विधियों का, हमने तीन विधियों का यहाँ पर देखा कि तीन विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो तीन विधियों का प्रयोग करके गेहूं को साफ किया जा रहा है। इसी तरह से और भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहां पर क्या किया जाएगा, दो से ज्यादा विधियों का या एक से ज्यादा विधियों का प्रयोग किया जाएगा। जब हम सी वाटर की बात कर रहे हैं कि समुद्र के पानी से नमक को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो वहां पर भी क्या होता है, एक से ज्यादा विधियों का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जब हमने कहा कि शैलो पिट्स बनाए जाएंगे, शैलो पिट्स बनाए जाएंगे, इन पिट्स पर क्या किया जाएगा, समुद्र के पानी को इकट्ठा किया जाएगा और रोका जाएगा। इकट्ठा करके रोकना, कुछ टाइम के लिए वैसे ही रखना, ये क्या है आपका, डिकेंटेशन कहलाता है या अवसादन। तो इसमें जितनी और इम्प्योरिटीज होंगी, हैवी पार्टिकल्स होंगे, वो सतह पर नीचे बैठ जाएंगे और पानी आपको ऊपर मिल जाएगा। तो ये सेडिमेंटेशन है आपका ये, ठीक है, सेडिमेंटेशन है, अवसादन है। उसके बाद क्या किया जाएगा, डिकेंटेशन करेंगे, इस पानी को हटा भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ओके, फिल्ट्रेशन होगा। तो ये सारी विधियां जब एक साथ प्रयोग की जा रही है सिर्फ सॉल्ट को या नमक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर एक से ज्यादा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, यही आप पढ़ते हैं इसमें। और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में आपकी एक विधि है संघनन, जिसे कहा जाता है, जहां पर आपने पहले क्या देखा, पानी भाप में बदल रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था। अब वो भाप जब वापिस पानी में बदलेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, संघनन या कंडेंसेशन कहा जाएगा। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस वेयर वाटर वेपर बिकम्स लिक्विड। अब गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में, द्रव में कन्वर्ट हो रही है। इट इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन का ठीक क्या है, विपरीत है, उल्टा है, ठीक है, रिवर्स हो रहा है यहाँ पर। जैसे तापमान बढ़ाने पर क्या हुआ, पानी भाप में बदल गया। आपने क्या कहा, तापमान बढ़ाया यानी बर्नर जलाया, गैस चलाई, उसमें पानी रखा और पानी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने पर क्या हो गया, भाप में बदल गया। तो ये इवेपोरेशन था। तो यहाँ पर संघनन में टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटाएंगे, कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, तो जो वाटर वेपर आपकी बन गई थी वो अब धीरे धीरे कंडेंस होकर वाटर में या लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगी और इसी को क्या कहा जाएगा, कंडेंसेशन कहा जाएगा। तो होपफुली कंडेंसेशन तक, संघनन तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी के कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। इस चैप्टर में हमने बहुत सी विधियों को पढ़ लिया है, आज हमने दो नई विधियां देखी जिनमें इवेपोरेशन और कंडेंसेशन को हमने अच्छे से समझा, ओके। अभी भी किसी के डाउट है, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। आगे के वीडियो को हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।